हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट आपके सामने एक और वीडियो लेके जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के मैनिपुलेशन के बारे में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाइए। तो नीचे देखिए बी एक्स है, ऊपर कौन है एक्स, तो मेरे को बी एक्स में बी का मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने क्या बोला कि ऊपर कौन है, ऊपर है x, नीचे कौन है बी एक्स। इसका मतलब मेरे को x के पास b चाहिए, और अगर मेरे को x के पास b चाहिए तो मैं पहला काम करता हूँ कि b से मल्टीप्लाई कर दो। सर लेकिन ऊपर तो b नहीं था, तो उधारी चुका दो, उधारी चुका दो 1/20, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी एक्स। देखो ये b से b कट जाएगा, क्या बच जाएगा x। अच्छा सर आगे इसमें प्लस a है, तो एक काम करिए आप b प्लस a जोड़िए, यानी a प्लस बी एक्स, और इसको माइनस करके क्या कर देना है बाइलेंस। लो हो गया मैनिपुलेशन। पहला काम क्या किया मैंने, यहाँ देखा b के x के साथ कौन था b, और ऊपर सिर्फ कौन था x, तो मैंने इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया और उधारी चुका दिया। फिर पता चला कि b x के पास प्लस a, तो मैंने भी प्लस a ले लिया और माइनस करके बैलेंस कर दिया। अब क्या करोगे सर, अब कुछ नहीं, अब इसको मेरे को करना है अलग अलग, यानी a प्लस बी एक्स ब्रैकेट माइनस a अपॉन में a प्लस बी एक्स, और इनटू में सबके इधर डी एक्स चल रहा है ना, डी एक्स नहीं छोड़ना। अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो आपको डी एक्स खुद से लगा लेना है। ओके ठीक है। अब देखो सर आगे आगे इसको अलग अलग करना है मेरे को, ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स इनटू का डी एक्स, और फिर माइनस, फिर ये वाला इंटीग्रेशन, ये जो है ना ये इसके नीचे भी है, ये इसके भी नीचे है और इसके नीचे भी है, तो बन जाएगा a अपॉन में a प्लस बी एक्स और इंटू डी एक्स, ब्रैकेट बंद। अच्छा आगे आगे तो सिंपल है, 1 अपॉन में b, ब्रैकेट बंद, और ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा मात्र डी एक्स, और माइनस में ये बन गया a 1 प्लस बी एक्स, और फिर से हो गया डी एक्स, है ना ऐसा। और फिर आगे क्या करना है, 1 अपॉन में b, और ये dx का इंटीग्रेशन x, माइनस में ये कांस्टेंट है a, बाहर फेंक दो, बन जाएगा dx बटे a प्लस में bx। और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जरा देखो एक वर्ड, मैं इसका पूछ रहा हूँ डिफरेंशिएशन, बोली तरह इसका डिफरेंशिएशन a का 0, b साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन dx, यानी सीधी सी बात है। अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको लगेगा सर ये तो ln वाला डिफरेंशिएशन है, है ना, बहुत ही आसान है। तो आप इसको क्या लिखोगे, ln a प्लस बी एक्स, ln a प्लस बी एक्स, और बी एक्स का फिर इसका भी तो करोगे, ये तो वो ln वाला, और बी एक्स का फिर बटे में क्या आएगा b, और प्लस का क्या जाएगा c, है ना। जिस तरह आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं dx बटे x का क्या होता है ln x, और कल को इसके जगह पे dx बटे ax प्लस b आ जाए तो भी इसका आंसर होगा ln ax प्लस b, और नीचे आ जाएगा अपॉन में a। उसी तरह इंटीग्रेशन करोगे आप a प्लस बी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln a प्लस बी एक्स, और नीचे की तरफ बटे में b, ऐसे ही, है ना। तो वही कि इसका इंटीग्रेशन ln ax प्लस b और bx का बटे में b, और ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। अगर पूरी सॉल्व करोगे तो x बटे b माइनस में ए बी स्क्वायर ln में कितना a प्लस बी एक्स ब्रैकेट बंद प्लस का c, है ना, इस टाइप से, है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।